Hello students, welcome to BIMT YouTube channel. Students, this is a lecture for MBA first year students at the second semester and the subject name is Human Resource Management. And today we will discuss the topic that is very much important, HRP. HRP is Human Resource Planning. So, as a Human Resource Planning topic, we discuss karenge and it is in our unit number 2. So, what is Human Resource Planning? In short, it is HRP. It is a process of forecasting the future. ये प्रोसेस वो है जिससे फ्यूचर में ह्यूमन रिसोर्सेज की क्या रिक्वायरमेंट्स है उसे फॉरकास्ट करते हैं. एक ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्सेज की फ्यूचर में क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है और साथ ही साथ डिटरमाइन करते हैं एज टू हाउ द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स है उसे हम फुलर यूटिलाइज कैसे करें. तो ये सारी चीजें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में आती है. और बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या करता है, फोकस ऑन द बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट. ये बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट क्या है, डिमांड एंड सप्लाई पे फोकस करता है इन द कॉन्टेक्स्ट टू ह्यूमन रिसोर्स कैपेसिटी. इन द एचआरपी प्रोसेस व्हिच हेल्प्स द मैनेजमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन इन मीटिंग द फ्यूचर डिमांड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन विद द सप्लायर्स एप्रोप्रिएट पीपल इन एप्रोप्रिएट नंबर्स एट द प्रॉपर एरिया प्रॉपर एप्रोप्रिएट टाइम एंड प्लेस. तो ह्यूमन रिसोर्स क्या बताता है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बताता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एप्रोप्रिएट टाइम पर एप्रोप्रिएट पीपल एप्रोप्रिएट नंबर में प्लेस हो जाने चाहिए. तो दिस इज एचआरपी. तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में एसेंशियल सक्सेसफुली अचीव कब किया जाता है, जब हम स्ट्रेटजीज एंड ऑब्जेक्टिव्स को ऑर्गेनाइजेशन के फॉलो करते हैं. एचआरपी डज हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन. एचआरपी किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है. नंबर वन, एचआर मैनेजर्स आर इन अ स्टेज ऑफ एंटीसिपेटिंग द वर्कफोर्स रिक्वायरमेंट. Then prevent the business from falling into the trap of shifting workforce market. Then work proactively as the expansion in the workforce market is not always in conjunction with the workforce requirement. एक कुछ points से रखे हैं इसलिए organization in growth phase they face the challenges. उस time पे भी HRP help करता है. Considering the organizational goals, so HRP allows organizational goals को ध्यान करके HRP क्या करता है, it allows identification, selection, development of the required talent. Then, with strong teams of human resource planning, mein kya kya cheeze, activities involved honi chahiye, forecasting future manpower requirements hona chahiye. Then, making an inventory for present manpower ki bhi inventory aap taiyar karke rakhi. Then, anticipating manpower problems by projecting present resources, workforce problems ko dhyan mein rakhi. Then, planning the required programs. जैसे प्लानिंग करनी है नेसेसरी प्रोग्राम्स के लिए, जैसे कि सिलेक्शन के लिए, ट्रेनिंग डेवलपमेंट के लिए, तो ये सारी चीजें हम रेडी रखनी. और गेस्टर के हिसाब से मैन पावर प्लानिंग क्या है, इट इज अ प्रोसेस इंक्लूडिंग द गेस्टर बोलते हैं कि मैन पावर प्लानिंग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को ही बोलते हैं. तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का अदर नेम है मैन पावर प्लानिंग. तो मैन पावर प्लानिंग में गेस्टर के हिसाब से क्या है, इट इंक्लूड्स फॉरकास्टिंग डेवलपिंग एंड कंट्रोलिंग. Then HRP process, human resource planning का process क्या है, is very much important. तो it involves four steps. इसके अंदर four steps में सबसे पहले हम करेंगे HR supply का assessment करेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि HR planning की किस step का requirement है. यहाँ पर हम comprehensive study करेंगे human resource strength की organization में, किस तरीके से comprehensive study होगी human resource की organization में, in terms of skills, talents, numbers, competencies, qualifications, experience, age, tenures, performance ratings, designations, grades, compensations, benefits. तो ये सारी चीजें इस स्टेज पर एनालाइज की जाएंगी. फर्स्ट स्टेज पर दैट इज करंट एचआर सप्लाई. देन नाउ वी विल मूव टू सेकंड स्टेज, फ्यूचर एचआर डिमांड. अभी करंट एचआर सप्लाई क्या उसने हमने ले लिया, हमें क्या क्या चीजों को एनालाइज करना है. नेक्स्ट सेकंड स्टेप आएगा कि फ्यूचर में एचआर की क्या डिमांड है. तो यहाँ पे फ्यूचर वर्क फोर्स रिक्वायरमेंट के लिए बिजनेस सोचेगा, ये सेकंड स्टेप है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का. यहाँ पर एचआर वेरिएबल्स जैसे कि एट्रिशन, ले ऑफ, फोर्स सिविल, वैकेंसीज, रिटायरमेंट, प्रमोशन, स्किल सेट ट्रांसफर एक्सेट्रा, ये सारे पॉइंट्स को यहाँ पर फ्यूचर एचआर डिमांड के लिए कंसिडर किया जाता है. Then third step is demand forecast. Demand forecast is the third step of HRP. और ये basically इसलिए create किया जाता है, ये इसलिए essential है to understand the business strategy and objectives. क्या business की strategy और क्या objectives हैं, और long run के लिए क्या strategy and objectives हैं, और workforce की demand forecast क्या रहेगी, हमें किस तरीके से organizational goals को achieve करना है. Next step is HR sourcing strategies and implementation. जो भी एचआर सोर्सेस का स्ट्रेटेजीज क्या रहेंगे, उसको हम किस
तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे, तो एचआर फॉर्म्स जो है इस तरीके की इन चीजों को फिलअप करने के लिए, सप्लायर डिमांड में भी आपको फिलअप करने के लिए बहुत सारी कुछ प्रोग्राम्स कंडक्ट करनी है, जैसे कि एम्प्लॉयज के साथ प्रोग्राम कंडक्ट किए जा रहे हैं, रिक्रूटमेंट के, आउटसोर्सिंग के, टैलेंट मैनेजमेंट के, ट्रेनिंग एंड कोचिंग की, जिससे कि ये सारी चीजें जज की जा सकती। अब आते हैं तो हमारे स्टेप्स थे, फोर स्टेप्स ऑफ एचआर की। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग मैनपावर प्लानिंग, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मैनपावर प्लानिंग को अफेक्ट करते हैं? इट सफर्स फ्रॉम इनएक्यूरेसी, इनएक्यूरेसी इज द मेन पॉइंट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फॉरकास्ट, क्योंकि लॉन्ग रेंज फॉरकास्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। मैन पावर प्लानिंग डिपेंड्स बेसिकली ऑन ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग, ये भी करना का इसका फैक्टर है। देन इट इज डिफिकल्ट टू फॉरकास्ट अबाउट द पर्सनल विद ऑर्गेनाइजेशन, और ये भी बहुत डिफिकल्ट है कि हम फॉरकास्ट कर पाए कि वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ फ्यूचर डेट में कब तक हैं, कब आएंगे या किस तरीके से वो आप करेंगे। द लैक ऑफ टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट, लैक ऑफ टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट की वजह से मैन पावर प्लानिंग में जो भी स्ट्रेटेजीज बनाई जाती है या जो भी हम करना चाहते हैं सरप्राइज है इनक्रीज। देन प्रॉब्लम फॉर फॉरकास्ट बिकम्स मोर अकरिंग बाय टेक्स्ट ऑफ की पर्सन। नाउ डिमांड फॉरकास्टिंग फॉर मैन पावर प्लानिंग, नेक्स्ट टॉपिक है कि मैन पावर प्लानिंग या ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के लिए डिमांड फॉरकास्टिंग क्या है और एचआर सप्लाई फॉरकास्टिंग क्या है। तो बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक प्लान, द फर्स्ट स्टेप इन स्ट्रेटेजिक एचआर प्लानिंग प्रोसेस इज टू असेस एचआर कैपेसिटी। तो ऐसा पहला सबसे चीज जो जरूरी है एचआर की वो ये है कि हम एचआर कैपेसिटी को असेस कर पाए, करंट एचआर कैपेसिटी को ऑर्गेनाइजेशन में असेस कर पाए। तो इसमें क्या क्या चीजें असेस होंगी? नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज जो करंट स्टाफ के लिए स्टाफ नीड टू बी आइडेंटिफाई, जिसके ऊपर हम करंट स्टाफ को आइडेंटिफाई करते हैं कि उसके पास क्या ट्रेनिंग है, स्किल्स है। इस तरीके स्किल्स इन्वेंट्री शुड गो बियॉन्ड द स्किल्स नीडेड फॉर अ पर्टिकुलर पोजीशन, लिस्ट ऑल स्किल्स ईच एम्प्लॉई हैज डेमोंस्ट्रेटेड। तो यहाँ पर हम स्किल्स इन्वेंट्री बनाएंगे, सभी के लिए लिस्ट बनाएंगे, क्या एम्प्लॉई की स्किल्स में स्पेशलाइज है, किस तरीके का वर्क वो कर सकते हैं। अब फॉरकास्टिंग एचआर रिक्वायरमेंट्स भी क्या है, नेक्स्ट स्टेप है। यहाँ पर हम एचआर फॉरकास्ट करते हैं एचआर नीड्स को फ्यूचर के लिए, और फ्यूचर में जो भी हमने ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजिक गोल्स बनाए हैं उनको ध्यान में रखें। रियलिस्टिक फॉरकास्टिंग जो ह्यूमन रिसोर्सेज की होती है उसमें दोनों चीजें इन्वॉल्व है, डिमांड एंड सप्लाई। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि हम इन चीजों को किस तरीके से आंसर करें, तो हाउ मेनी स्टाफ विल बी रिक्वायर्ड, तो कितना स्टाफ हमें और चाहिए गोल्स को अचीव करने के लिए, या व्हाट जॉब्स वी नीड टू बी फिल्ड, किस तरीके की जॉब्स को फिल करना है, किस तरीके की वैकेंसीज है हमारे यहाँ, या किस तरीके की स्किल्स पीपल भी हमें चाहिए। तो ये सारी चीजें डिमांड फॉरकास्टिंग में आएंगी। तो डिमांड फॉरकास्टिंग के कुछ फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे कि पहला है हाउ डज द करेंट इकॉनमी इफेक्ट आवर वर्क, नेक्स्ट इज हाउ द करेंट टेक्नोलॉजी और कल्चर शिफ्ट इफेक्ट आवर वर्क, what changes are happening in the Canadian labor market, then how is our country changing or expected to change in the near future, then why diversity at work matters, next is gap analysis, what is gap analysis, it is to determine the gap between organization wants to be in future and where you are now, to ye wo gap hai jahan par organization future mein jana chahti hai aur present mein wo kahan par hai, is cheez ke beech ke gap ko gap analysis bolte hain, aur is gap analysis ko identify karne ke liye नंबर ऑफ स्टाफ स्किल्स रिक्वायर्ड है और एचआर डिपार्टमेंट प्रैक्टिसेस कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है प्रैक्टिसेस की किस तरीके से हम ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर सके, किस तरीके से न्यू प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव कर सके, तो दिस ऑल कम्स अंडर गैप एनालिसिस। गैप एनालिसिस में भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, व्हाट न्यू जॉब्स विल बी नीड, व्हाट न्यू स्किल्स विल बी रिक्वायर्ड, डू आर प्रेजेंट एम्प्लॉयज हैव द रिक्वायर्ड स्किल्स, तो डू वी हैव इनफ मैनेजर्स और सुपरवाइजर्स, आर करंट एचआर मैनेजर प्रैक्टिसेस एडिक्वेट फ्यूचर नीड्स, तो ये कुछ क्वेश्चंस लाइक मैं डिमांड रख के ऑर्गेनाइजेशन डिमांड फॉरकास्टिंग करेंगी। तो यहाँ पे डिमांड फॉरकास्टिंग को मैंने पीपीटी के थ्रू बताया है कि इफेक्टिव वर्क फॉर डिमांड फॉरकास्टिंग का मीनिंग यहाँ पे डिफाइन किया गया है दोबारा से, उसके अलावा डिमांड फॉरकास्टिंग की टेक्निक्स है और वो सिक्स मेजर कैटेगरीज में डिवाइडेड है। क्या टेक्निक्स है? नंबर वन डायरेक्ट मैनेजरियल इनपुट, देन बेस्ट गेस, देन हिस्टोरिकल रेशियोज, देन प्रोसेस एनालिसिस, देन सिनेरियो एनालिसिस एंड अदर स्टैटिस्टिकल मेथड्स लाइक रिग्रेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग, सैलिनेशन, मार्कोव मॉडलिंग, डिमांड फ्लो, रिन्यूएबल मॉडल एक्सेट्रा। नाउ व्हाट इज फॉरकास्टिंग सप्लाई? सो फॉरकास्टिंग सप्लाई दे रखा है, वंस एन ऑर्गेनाइजेशन हैज फॉरकास्टिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स फॉर एम्प्लॉयज, इट देन गोज ऑन द नेक्स्ट सर्च, इट्स फ्रॉम वेयर वी कैन फुलफिल इट्स रिक्वायरमेंट। जब एक बार ऑर्गेनाइजेशन
supply. So therefore, need to determine if there are sufficient numbers and types of employees and how many are eligible. So ye determine karna zaruri hai ki hum is tarike ke sufficient employees kahan milenge, wo eligible hai ya nahi hai, is tarike ki cheeze forecasting supply se. Manpower forecasting hai, it is the process including forecasting, developing and controlling by which a firm ensures that it has the right number of people, right kind of people, right pay and at the right time. Forecasting future manpower में और क्या important है? Manpower planning important है. तो और इसके अलावा forecasting जो है future manpower forecasting जो है वो basically किसके किसके होती है? Production and sales budget, workforce analysis, workforce analysis, estimation, absentees and turnover. तो future manpower requirement should be forecasting भी forecast qualitatively and quantitatively. तो फ्यूचर में मैनपावर रिक्वायरमेंट को हमें दोनों तरीके से फोरकास्ट करना चाहिए, क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली. सो नेक्स्ट इज प्रॉब्लम्स. मैनपावर प्लानिंग इस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करता है, एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट, आइडेंटिटी क्राइसिस, सपोर्ट टू टॉप मैनेजमेंट, रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉइज, इनसफिशिएंट इनिशियल एफर्ट्स, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग, कोऑर्डिनेशन विद अदर मैनेजरियल फंक्शंस, अनबैलेंस एफर्ट्स. तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की. तो यहाँ पर हमने आज दो टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं, दैट इज डिमांड फॉरकास्टिंग ऑफ मैनपावर प्लानिंग एंड एचआर सप्लाई फॉरकास्टिंग, और इसी के साथ हमने पढ़ा है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की. व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग? स्टूडेंट्स, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग किया और डिमांड फॉरकास्टिंग किया, दिस इज आवर टॉपिक टुडे. वी हैव डिस्कस्ड दिस. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू. हैव अ नाइस डे.